हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एमरहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनएसपी स्कॉलरशिप 2018-19 का जो है मेरिट लिस्ट, और अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो आपके नाम पे कितना अमाउंट सेंक्शन हुआ है उसको आप कैसे चेक कर सकते हो। बहुत आसान है, आप इस वीडियो का अंत तक देख लीजिए, आपको जो है पता चल जाएगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अंत तक फॉलो करना। उससे पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ इस चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और बाजू का घंटी भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अंत तक फॉलो करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मोबाइल का किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। करने के बाद आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है NSP, टाइप करके आप सर्च कीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको जो दिख रहा होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, या फिर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको ऊपर आपको जो लॉगिन दिख रहा होगा, लॉगिन पे आप क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फ्रेश 2018-19 भी आपको जो है क्लिक करना है, आपको फ्रेश अगर दिखना है 2018-19 का। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कीम वाइज स्कॉलरशिप सेंक्शन लिस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका अमाउंट भी कितना आया है वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको एकेडमिक ईयर को चूज़ करना है सबसे पहले, तो 2018-19। इसके बाद आपको एप्लीकेशन टाइप जो है फ्रेश, इसके बाद सिलेक्ट मिनिस्ट्री, आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्कीम करना है, तो मेरिट, या फिर देखिए प्री मेट्रिक अगर देखना चाहते हो आप, प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी, पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप, आप जिस जो है कैटेगरी देखना चाहते हो, मैं आपके चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी। इसके बाद आपको जो है स्टेट सिलेक्ट करना है, तो जो भी स्टेट है आपका, मेरा आसाम है तो मैं आसाम सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट करना है आपको, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको जो बाजू में जो है आपको कैप्चा दिख रहा होगा उसको यहाँ पे आपको जो है डालना है। तो मैं यहाँ पे कैप्चा को डाल लेता हूँ, यहाँ पे उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो जो भी लीजिए। इसके बाद आपको जो है सबमिट पे क्लिक करना है। तो आप नीचे जाइए, नीचे जाइए, यहाँ पे देखिए बहुत सारा लिस्ट आ गया है, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा जो है ये लिस्ट है। तो आप अपना नाम कैसे यहाँ पे चेक कर सकते हो बहुत आसानी से, उसके लिए आपको कुछ देर यहाँ पे जो है वेट करना पड़ेगा, ये पेज जो है पूरा लोड होने के लिए आपको कुछ देर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आप सीधा जो है अपना नाम देख सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ देर वेट करने के बाद पूरा पेज लोड होने के बाद आपके सामने ऐसा सर्च बार आ जाएगा आपके सामने, तो यहाँ पे सर्च बार भी आप क्लिक कीजिए। करने के बाद आपका जो भी नाम कीजिए, टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके नाम अगर है लिस्ट पे तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, और आपके नाम के जो है पूरा साइड पे यहाँ पे देखिए अमाउंट के जगह पे आपका जो है अमाउंट, कितने अमाउंट सेक्शन हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कीजिए, मैं आपका जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो ही था वीडियो में, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल पर आपको ऐसे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो ही था वीडियो में, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।